दोस्तों चेस की ट्रेनिंग आप करते हैं, एक तो नॉर्मल बेसिक शेड्यूल है जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है, चारों पांचों मूवमेंट, ये सबको सूट करेगा। आप ओवरऑल चेस के ग्रोथ चाहते हैं तो इसको इस ऑर्डर में कर सकते हैं। दूसरा, आपके वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर आपका अपर चेस्ट वीक है, ये एरिया आपका खाली लगता है आपको, तो आप जैसे इस वीडियो में दिखाया जिस ऑर्डर में मैंने एक्सरसाइज इंक्लाइन से आप शुरू करें, तो अपने इस एरिया को डेवलप करने के लिए अगर ये वीक आपका, तो आप ये इस वीडियो में जो ऑर्डर दिखाया मैंने एक्सरसाइज का, उस पैटर्न में आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका लोअर चेस्ट वीक है, वैसे बड़ा रेयर होता है कि लोअर चेस्ट ज्यादातर आप लोगों की डेवलप हो जाती है नॉर्मल चेस्ट ट्रेनिंग से, लेकिन अगर वो वीक एरिया है तो आप डिक्लाइन से भी शुरू कर सकते हैं या पैरेलल बार डिप्स जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, इस ऑर्डर में आप करके अपना इस वीकनेस को दूर कर सकते हैं। चौथा शेड्यूल है कि आप कभी आप किसी वजह से हैवी वेट पे नहीं जाना चाहते, आपको लाइट ट्रेनिंग करनी, लेकिन आपको वैसा ही मसल को एग्जॉस्ट भी करना है, वैसा ही पंप भी चाहिए आपको, तो आप आइसोलेशन मूवमेंट से पहले प्री एग्जॉस्ट कर ले मसल को, वेट डालने से पहले आइसोलेशन मूवमेंट से आप अपने चेस्ट को पूरा पंप कर ले और फिर कंपाउंड मूवमेंट पे जाए, उसमें वेट आपसे कम ही लिफ्ट होगा फिर, क्योंकि आपने पहले ही अपने चेस्ट को एग्जॉस्ट कर लिया है। तो जैसे इस वीडियो में मैंने दिखाया, इस पैटर्न में आप करके लाइट वेट से भी अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। और पुलओवर ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप या तो चेस्ट के साथ भी कर सकते हैं या बैक के साथ भी, आपकी चॉइस है। चेस्ट के रूटीन में करना तो लास्ट में अपनी वर्कआउट में आप ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो बैक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वेट ट्रेनिंग से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे से वार्म अप करना है, कुछ डायनेमिक मूवमेंट्स करने जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाए भी है, थोड़ा लाइट स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद हल्के वेट से शुरू करके पहली एक्सरसाइज में आपने मसल्स को रेडी करना है, अपना शोल्डर चेस्ट ट्राइसेप और लोअर बैक को ठीक से वार्म अप करके फिर आपने शुरू करना है जैसे मैंने इसमें दिखाया है। तो अगर और भी बॉडी पार्ट्स की इस तरीके से वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियोस में हम जरूर आपको दिखाएंगे। थैंक यू।